अति प्रियो, प्रभु के साथ चलने वाले आप धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है। प्रभु के साथ चलने के समय में घबराहट नहीं है। क्या आप घबराते हैं? बीमारी है, मुसीबत है, बाहर आने जाने सब जगह में घबराहट है। आप घबराहट को आज थोड़ा महसूस करते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु कहता है, यूहन्ना 14 का पहला वचन में कहता है, मेरा बेटा मेरा बेटी तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मन में व्याकुल नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पास विश्वास करना चाहिए। विश्वास आपका मन की घबराहट को दूर कर देगा। इसलिए किस बात से आप घबराते हैं? बीमारी है, बीमार को चंगाई करने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। का पैसा का दरकार है, आर्थिक समस्या को पूरा करने का क्षमता प्रभु के पास है, उसको विश्वास कीजिए। घर में शांति की कमी है, वो शांति की कमी को दूर करके प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में सामर्थ्य के साथ क्रिया करेगा, इसको विश्वास कीजिए। बिजनेस में, प्रमोशन में क्या रुकावट है उस बात में, और सारी रुकावट को प्रभु दूर कर देगा। रुकावट को बदलने वाला परमेश्वर करके विश्वास करना है। विश्वास करने से घबराहट दूर हो जाएगा। क्यों घबराते हैं? जिस बात के लिए आप घबराते हैं वो सारी बातों को बदलने की सामर्थ्य प्रभु के पास है। इसको विश्वास करने से प्रभु अद्भुत काम कर देगा। जिस बात से घबराते हैं आज प्रभु बदल देंगे। पिताजी, तेरा मन व्याकुल न हो करके तू हमें संतावना दिया प्रभु, उस बात को विश्वास करते हैं, तेरा सामर्थ्य को और तेरे अद्भुत काम को विश्वास करते हैं। इन बच्चों की घबराहट को लाने वाला बातों में आज एक अद्भुत काम होना है प्रभु जी। परिवर्तन को लाके अद्भुत काम कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमेन आमेन।